زدني علما. رب إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ बुजुर्गो अजीज साथी माओ बहनों आज के इस खुतब जुमा को मैं अल्लाह तबारक व चाला की हमदोसना से शुरू करता हूँ कि हर तरह की हमदोसना बड़ाई और किबरियाई

जो हमने अनुमान मुंतब किया है कि निकाह की सुन्नत से हमारी गफलत निकाह एक ऐसा आम फहम लफ्ज एक अल्लाह के नबी की एक ऐसी सुन्नत जिसको हम में से हर अनपढ़ जाहिल आलिम फाजिल मर्द औरत बच्चे और बड़े हर कोई ये लफ्ज जानते हैं और ये भी जानते हैं कि निकाह का नाम किसका है क्यों निकाह रखा गया है निकाह कैसे होता है शादी ब्याह की तकारीब कैसे होती है सब के सब चीजें हमारे बच्चों बच्चों को भी पता है लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर मैं आप लोगों को एक अहम बात जो हमारे अकलों से बहुत दूर हो चली है कि आया जिस तरह से वजू की सुन्नतें हमें बताई गई हैं नमाज की सुन्नतें हमें बताई गई हैं रोजों की सुन्नतें हमें बताई गई है हज की सुन्नतें हमें बताई गई है जकत देना चाहते हो तरीका कार बताया गया है उमरा करना चाहते हो तरीका बताया गया है सुनते बताई गई है नबी के की के सुन्नते हैं वो सब के सब जनाब मोहम्मद ने अपने से मुबारक के अंदर तरीकार बताया है वजू की सुन्नत आप में जानते हैं पहले हाथ धोएंगे कुल्ला करेंगे नाक में पानी चढ़ाएंगे मुंह धोएंगे हाथ हाथ धोएंगे, सर का मसा करेंगे फिर पैर धोएंगे मजाल के किसी के कोई एक चीज को आगे पीछे करके बता दे, कोई छोटा बच्चा भी होगा अगर आप उसके सामने करेंगे, तो बता ब, बोलेगा अबू जी चाचा जान पहले हाथ धोते हैं कुल्ला पहले नहीं करते कुल्ली तो बाद में करते हैं आपने पहले कुल्ली की है पहले नाक में पानी चढ़ाया जाता है बाद में चेहरा धोया जाता है माना यह है जब अल्लाह के नबी की सुन्नत हमें पता चल जाती है तो हमारा बच्चा बच्चा भी यह कहता है कि देखो यह सुन्नत में रद्द बदल नहीं हो सकता छोटी मिसाल वजू की इसी तरीके से जिस तरह से वजू की सुन्नतें हमें बताई गई नमाज की सुन्नतें हमें बताई गई है निकाह की भी सुन्नतें हमें बता दी गई हैं अंदाज में बड़े आसान लहजे के अंदर शरीयत ने हमें निकाह के वो सारी सुन्नतें हमारे सामने रख दी हैं आओ आज के इस निकाह के अंदर निकाह के खुतबे में इंशाला निकाह के के खुतबे में मैं आप लोगों के सामने चंद अहम पॉइंट्स कलेक्ट करके ले आया हूं ताज्जुब की बात मैं ये बताऊं आपको कि कल रात तक भी उन्वान डिसाइड नहीं कर पाया था कि किस उनवान पर मुखातिब होना है भाइयों के मशवरे के बाद तय हुई बात कि हां भाई निकाह और उसके रसूमात जो है आज बेजा हो रहे हैं सीजन अब आ रहा है शादियों का ये जनवरी फरवरी मार्च जून जुलाई ये पूरे शादियां होने वाले हैं सारे फंक्शन हॉल्स बुक है छह महीने पहले से लिहाजा इस पर गुफ्तु होगी मैंने कहा निकाह का मसला बताना है शरीयत में निकाह का मसला क्या है शरीयत के रोसे निका क्या है ये बताना है ठीक है बता देंगे कितनी देर लगेगी पांच मिनट लगेंगे निकाह क्या है शरीयत के अंदर ये बताने के लिए सिर्फ पांच मिनट लग जाएंगे क्या देखो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करना जरूरी है पहली शर्त पहली शर्त मुख्तर दूसरी शर्त महर तय करना जरूरी है लड़का लड़की को क्या मेहर देगा तीसरी शर्त लड़की की तरफ से वली होना बेहद जरूरी है गवाह होना जरूरी है चौथी शर्त निकाह के बाद वलीमा करना जरूरी है सारे निकाह के मसाइल खत्म यहां पर और कुछ समझाने की जरूरत नहीं ना तो इसमें फंक्शन हॉल का तस्करा है ना तो इसमें पकवान और खानों का तस्करा है ना तो सांचो और मंजों का तस्करा है ना तो जहेज और जोड़े रकम का तस्करा है कुछ नहीं है मैं किताब लिया और उन्वान लिखना शुरू किया चार लाइनों में उन्वान खत्म मैंने कहा इतना ही उन्वान है और क्या है? नहीं जनाब आपको तो समझाना यह है कि अब जो ये चार चीजों के अलावा चीजें हो रही है वो नहीं करना यह समझाना है अच्छा जी अब मैं बनाना शुरू किया अब जब मैं ये तवील मुद्दा तवील उन्वान पर लिखना शुरू किया ताजुब की बात है रात के तीन बज गए इतनी रस्में इतनी रिवाज हमारे अंदर है अल्लाह अकबर हजारों रस्में हजारों रस्में शादियों की हजारों रिवाज ताजुब है उन्वान खत्म होने का नाम ही नहीं रहा है वो किताब पढ़ रहा हूं वो किताब पढ़ रहा हूं उसमें से सौ रिवाज उसमें से पांच सौ रिवाज इसमें से सौ रिवाजों पर रिवाज अलग अलग मैंने कहा यह बड़ा अजीबोगरीब गरीबान है भाई कैसे इसको मुकम्मल किया जाए मैंने कहा कि एक कुत्ते में तो इसे मुकम्मल नहीं किया जा सकता जो बुराइयां गिनाना चाहता हूं निकाह को लेकर नहीं बता सकता और एक बात याद रख लीजिए इस्लाम की शरीयत जिन जिन चीजों का हमें हुक्म दिया है पामाल होते हैं गलतियां होती हैं चीजों को लेकर नमाज को लेकर मुझसे आपसे गलती होती है वजू को लेकर गलती होती है हज को लेकर गलती होती है जकत को लेकर गलती होती है लेकिन याद रखिए शरीयत के मामला में जितने भी मामला सुन्नते हैं अल्लाह के नबी की वो सुन्नतों के अंदर जितना खिलवार निकाह की सुन्नत से हुआ किसी और सुन्नत से नहीं किया गया याद रखना हर मामले में खिलवा शुरू से लेके आखिर तक सारी की सारी मुखालिफत आओ बुनियादी तौर पर पहले पांच चीजें बताने की कोशिश करूंगा पांच चीजें वो पांच चीजें अपने जहन में रख लो पांच चीजें वो ये हैं आज के माशरे में जो निकाह में देरी का सबब बन रही है क्या जनाब निकाह नहीं किए तीस साल के हो गए ना आप क्या मामला है भाई पैंतीस साल की उम्र हो गई आपकी निकाह नहीं हुआ क्या हुआ अम्मा आपकी बच्चियों की उम्रें बढ़ रही हैं कब निकाह करोगी पांच चीजें बुनियादी तौर पे आती हैं कितनी पांच जहन में रखना नंबर एक तालीम हासिल कर रहे हैं जब ये तालीम मुकम्मल हो जाएगी तब निकाह करेंगे जनाब केजी से लेके पीजी तक किन्नर गार्डन से लेके कहा तक पीजी तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक कितने साल लगते हैं जब पता है बीस साल लगते हैं बीस साल केजी से शुरू करेंगे गिनते सत्रह साल में ग्रेजुएशन होगा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा बीस साल लग जाएंगे बीस साल अच्छा आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम बहुत छोटी हो गई हमारे पास जरा मास्टर्स में जाएंगे आगे फिर थोड़ा और एमबीए करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा एम करेंगे और थोड़ा डॉक्टरेट करेंगे पीएचडी कर लेंगे आज की तारीख में हमारे माशरे के अंदर निकाहों के अंदर जो सबसे ज्यादा देरी का सब और वजह और रीजन है वो तालीम है मैं नहीं ये कहता कि तालीम ना दिलवाओ मैं नहीं कहता कि गैर तालीम को जाहिल बनाओ बच्चों को तालीम दिलवाओ तालीम से रोका नहीं इस्लाम ने इस्लाम ने कहा कि इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है जो अपने आप को मुसलमान समझता है तालीम हासिल करना होगा इसमें दीन की तालीम भी है और दुनिया की तालीम भी है तालीम हासिल कीजिए लेकिन एक बच्चा हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक लड़का या लड़की की एवरेज जो एज है औसत उम्र जो है जवान होने की बालिग होने की वो लड़कियों के अंदर 12 साल से लेकर 14 साल के दरमियान लड़कों में 13 साल से लेकर 15 साल के दरमियान ये दरमियान के अंदर लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं बालिग होने का मतलब ये है कि अब शादी के काबिल हैं अब शादी की जा सकती है अब चूंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं शरीयत के अंदर तो बाली होने के बाद उम्र की कोई कैद नहीं है निकाह के अंदर कोई कैद नहीं है हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कम से कम 18 साल उम्र होना जरूरी है 18 साल से पहले निकाह करेंगे तो वह जुर्म होगा कानून हिंदुस्तान के अंदर चलिएगा ठीक है कोई मसाला नहीं अट्ठारह साल के बाद तो कोई रोक नहीं है ना अभी अट्ठारह साल के बाद तो कर सकते हो नहीं तेरह साल की उम्र में तो ट पास किए हैं अब इसके बाद चौदह पंद्रह साल की उम्र में क्या करेंगे इंटर करेंगे सोलह सत्रह अठारह अठारह साल की उम्र तक ग्रेजुएशन करेंगे उन्नीस बीस इक्कीस तक पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे फिर इसके बाद आगे जाके और बड़ी डिग्री करेंगे ये सारी डिग्रियां होने के बाद हमारी बच्ची का निकाह हम करेंगे क्या करना है भाई उम्र चौबीस साल हो गई क्या इरादा है जरा हमारे बच्चे जो है ना तालीम मैदान में, में पीछे हैं लड़कियों की बनस्बत इंटर को चार साल में खत्म कर देते डिग्री को छह साल में पक्का खत्म कर देते लगता है वक्त लग जाता फेल हो जाते फिर लिखते आके एग्जाम उम्र थोड़ा आगे चले जाती क्या हुआ कर लो भाई निकाह नहीं जरा इंजीनियरिंग है ना फाइनल ईयर दो साल बाकी है इसके बाद कर लूंगा उम्र सत्ताईस साल हो गई आपकी और आप कह रहे हैं कि तालीम के बाद निकाह कर लूंगा अच्छा अगर इस इस नाम आपके साथ कोई हादसा हो जाए कोई जिना का गुना आपसे हो जाए कौन जिम्मेदार आप खुद जिम्मेदार और आपके माँ बाप जिम्मेदार सैमीन रही एक बड़े आलिम है उनसे सवाल किया गया कि शेख बताओ ऐसे लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो तालीम हासिल करने की वजह से निकाह में देरी करते हैं रुकावट रखते हैं कहा कि देखो यह जो सोच और तालीम है कि तालीम की वजह से तुम निकाह में रुकावट और देरी कर रहे हो यह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद की तारीख तालीम के अल्लाह के देरी कर रहे हो हालांकि अल्लाह के नबीम के शेख मोहतरम ने दो हदी से बयान की कहा देखो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम ने इर्शाद फरमाया जब तुम में से कोई शख्स के पास कोई आदमी का रिश्ता आए कोई आदमी तुम पर तुम्हारे पास निकाह का पैगाम भेजे तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारी बहन के लिए हाँ तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारी बहन के लिए अगर उस शख्स का दीन और अखलाक दोनों अच्छे हैं तो तुम अपनी बेटी को बिया दो ग्रेजुएशन मत देखो एम बी एम फिल का मैच मत देखो कि बराबर बराबर होता नहीं होता बी एस सी है तो फिर उन्हें एम सी ए होना नहीं अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी हमें कि अगर किसी का निकाह का पैगाम तुम्हारे पास आ जाए और उसका दीन अखलाक पर तुम मुतमिन हो तो निकाह कर डालो अल्लाह अकबर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या शबाब ए नौजवानों के जमात ए नौजवानों के गुरोह ऐ नौजवानों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक के सारे नौजवानों से मुखातिब होकर कहा आपसे मुझसे सबसे कहा ए नौजवानों अगर तुम इस्तेत रखते हो तो तुम फौरन निकाह कर लो फौरन निकाह कर लो तुम हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेतात का मतलब जिसमे इस्तेतात होती है कि क्या आप अपनी बीवी के जिस्मानी ख्वाहिशात मुकम्मल करने की ताकत रखते हैं वो इस्तेतात की बात हो रही है हदीस के अंदर ये वाली इस्तेतात नहीं पैसे वाली इस्तेतात नहीं तुम अगर इस्तेतात रखते हो तो क्या कर लो निकाह कर लो अल्लाह के नबी का फरमान हम ये समझते हैं कि मुकम्मल तालीम नहीं होगी तो निकाह नहीं होगा कोई उसूल नहीं है ऐसा इस्लाम ने यह नहीं, नहीं कहा कोई कुरान की आयत या हदीस ऐसी नहीं कि तुम्हारा बच्चा जब तक एम बी ए नहीं करेगा उसका निकाह कबूल नहीं किया जाएगा नहीं ऐसा नहीं है तुम्हारी बच्ची जब तक बी एस सी की डिग्री नहीं लेगी जब तक उसका नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आज हमारे माशरे में जो निकाह के बदले में जिना का मामला आम हो गया है उसकी एक अहम वजह यह है कि हमारे बच्चों की शादियों में हम देरी कर रहे हैं देरी कर रहे हैं हम हम यह समझते हैं कि घर में बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कौन उठाएगा कौन होते हैं हम पालने वाले किसी को तुमको किसने पाला तुम्हारे बच्चों को कौन पाल रहा है तुम्हें छत किसने अता की है तुम्हें रिस्क कौन देता है अल्लाह तबारक वाले अगर तुम अपने बच्चों का निकाह जल्दी करोगे तो रब्बे ताला है उनका रिस्क देने वाला रज्दाक रिश्ते हो वाले रब पालने वाला है एक वजह तालीम का मामला कि हम समझते हैं कि तालीम मुकम्मल हुए बगैर निकाह नहीं भाई निकाह के बाद भी तालीम करवाओ मसला नहीं है मसला नहीं है निका के बाद भी तालीम हो सकती है कोई दिक्कत की बात नहीं है कोशिश करो अल्ला कामयाब करेगा इन अब आइए दूसरी वजह दूसरी वजह इसको मैं गैर जरूरी वजह बोलता हूं यह वजह क्या है गैर जरूरी वजह आमतौर पर हम अपनी बेटियों और बहनों के निकाह में हम भाई और बाप आड़ बने हुए हैं कहीं पर मां आड़ बनी हुई है कहीं पर बड़ी बहनें आड़ बनी हुई है क्या जब तक हमारी लड़की को जाति घर वाला लड़का नहीं मिलेगा निकाह नहीं करेंगे ताज्जुब की बात है भाई अजीब बात नहीं है थोड़ी हमने अपनी आंखों से देखा है कि मां बाप जाति घर वाले लड़के को ढूंढ के निकाह करे निकाह करने के दो साल के बाद उन्हें किराए घर में आ गया जाति घर चले गया ना कहते हैं लोग आज जो रुकावट बन रहे हैं हमारे भाई रुकावट है ये निकाह के अंदर हम समझते हैं बच्चा अमेरिका का सिटीजन होना तो देते पचास हजार की तनख्वाह वाला होना बहुत लोगों को देखे पचास हजार की तनख्वाह थी निकाह के में बाद में फकीर और खलाश हो गए क्या कहते बच्ची को वापस ला लेते बहुत लोग अमेरिका में थे बेकार की चीज है ये बेकार की चीज की बुनियाद बनाकर आप निकाह में देरी कर रहे हो तीस तीस साल उम्र हो गई है बच्चियों की हम जानते हैं तीस तीस साल की उम्र बत्तीस बत्तीस साल की उम्र हो गई है आपकी मेरी उम्मत की बहनों की घर में बैठे हैं सफेदी आ रही है बालों के अंदर फिर भी अपनी जिद पे अड़े हैं क्या जिद है जाति घर वाला होना बच्चा ताज्जुब की बात है भाई ये बिला वजह के कंडीशन मत रखो शादियों के अंदर अल्लाह के नबी ने, ने क्या कहा दीन और अखलाक अच्छा है दे दो अल्लाह के नबी की बात के ऊपर पूरा मुकम्मल भरोसा करते हुए दे दो अल्लाह तबारको भला करेगा इंशाल्लाह आखिरत के अंदर दुनिया के अंदर दूसरी वजह तीसरी वजह खास तौर पे नौजवानों के लिए खास तौर पे मर्द हजरात के लिए तीसरी वजह तंगदस्ती थोड़ा पैसा आ गया तो कर लेता हूं भाई शादी थोड़ा जाति घर ले लिया तो शादी कर लेता हूं एक चार पांच लाख रुपए जमा कर लिया तो इसके बाद शादी कर लेता हूं थोड़ा सा ऐसा बिजनेस सेटअप कर लेने के बाद शादी कर लेता हूं तंदक तंग दस्ती का बहाना बनाते हैं ताजुब की बात है खुरान मजीद हमारे घरों में पड़ा है चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है क्या कह रहा है तंगदस्ती का तुम बहाना बनाते हो ना शादी के अंदर शादी में रुकावट के लिए तंगदस्ती का बहाना बोलिए आप इसे वजह नहीं होती है ये बहाना है हमारा है हमारा एक्सक्यूज है ये अल्लाह ने तंग दस्ती का बहाना बनाने वालों के लिए सूर्य नूर की आयत नंबर बत्तीस पढ़िए खोल के दाके घर में सूर्य नूर खोलिए घर में उसकी आयत नंबर बत्तीस में अल्लाह तबारको तला ने इर्शाद फरमाया के तुम में से जो कोई गैर निकाह बे निकाँ मर्द औरत है उनका निकाह करवा दो अल्लाह का हुक्म है कि तुम में से जो गैर है, उनके शादी का इंतजाम करो ईमान वालों से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि तुम्हारे माशरे के अंदर जो कोई भी बेनिकाह है उनका निकाह का इंतजाम करो या औरत का और तुम्हारे और गुलामों नौकरों का भी जो नेक नौकर है नेक गुलाम है उनका अगर उनका भी निकाह नहीं हुआ है तो उनका भी निकाह का इंतजाम करो अगर वो मुफलिस भी हैं तो अल्लाह तबारक को ताला निकाह के बाद उन्हें गनी और मालदार बना देगा अल्लाह अकबर अल्लाह का वादा है जब ये आयत में पढ़ रहा था तो इसके नीचे मुफसर ने तफसीर अपने कसीर के अंदर अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला खौल नकल किया आयत का तर्जुमा जहन में रखो क्या तुम में से जो कोई बेनिकाह मर्द औरत है उनका निकाह करवा दो और जो तुम्हारे नेक गुलाम नौकर हैं उनका भी निकाह करवा दो अगर चे मुफल और गरीब ही क्यों ना हो अल्लाह मालदार और गनी बना देगा इसके नीचे में तफसीर में तफसीर अपने कसीर में बकर रजी अल्लाह का खलीफतुलमुसलिम खलीफत अव्वल कहते हैं कि देखो इस आयत के मुनासिबत से निकाह के मामले में तुम अल्लाह का हुक्म मानो अल्लाह अपने वादे को पूरा कर देगा अल्लाह अकबर और क्या चाहिए तंग दस्ती बहाना नहीं कैसे निकाह हुए साहबा के कैसे निकाह अल्लाह अकबर सोने की अंगूठी नहीं है चांदी की लाओ चांदी की नहीं है लोहे की लाओ लोहे की भी नहीं है खुराने मस्जिद की आयत याद दिला दो तुम्हारा यही महर निकाह हो गया निकाह हो गया भाई ऐसे निकाह हुए और हम तंगदस्ती का बहाना बना रहे हैं लोह अकबर नहीं मेरे अजीज साथियों तंगदस्ती कोई बहाना नहीं है क्या खर्च होगा अब के हिसाब से हम हिंदु, हिंदुस्तान में है ना हिंदुस्तान में अब के हिसाब से अगर आप निकाह करना चाहते हो तो शरीयत ने आपको यह नहीं कहा कि तुम पूरे खानदान वालों को बुलाए तो निकाह होगा ऐसा नहीं है पूरे दोस्तों को बुलाए तो निकाह होता तुम्हारा नहीं तो नहीं होता ऐसा नहीं है पूरे पड़ोसियों को मोहल्ले वालों को बुलाए तो चार कंडीशंस आपके सामने रखा है बुनियादी मियाँ बीवी बच्चा बच्ची राजी होना एक दूसरे को पसंद करना जरूरी है नंबर दो मेह तय होना नंबर तीन लड़की की तरफ से जो वली हो ना राजी होना बोलना कि हां मैं वली बनके साइन करता हूं बिल्कुल राजी हूं मैं बच्चे से मुतफिक होना नंबर चार निकाह के बाद आपकी हैसियत के मुताबिक चार नान के रोटियां लाके एक कठोरा शेरवे में आप क्या करो वलीमा कर लो कोई मसला नहीं कितना पैसा लगेगा खाजी साहब की 800 रुपए की फीस लगेगी 500 रुपए का खाना लाके बिरयानी चार लोगों खाओ वाली माँ खत्म इतना ही है इस्लाम के अंदर निकाह के अंदर और कोई मुश्किल नहीं रखा इस्लाम ये मुश्किलें तो हमारी बनाई हुई है, ये आफतें तो हम अपने सर पे डाले हुए हैं फिल वक्त तंग दस्ती तीसरी वजह निकाह में देरी के लिए चौथी वजह चौथी वजह अकबर। एक और हदीस सुनाता हूं इसी सिलसिले में तंगदस्ती का मामला है ना कि तुम परेशान हो कैसा मेरा मामला हल होगा कैसे पैसे आ जाएंगे अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल इरशाद फरमाया निकाह करना चाहते हो फिकरमंद हो सच्चे दिल से नियत करे हो कि जिना से बचने के लिए निकाह करूंगा अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तिरमी की की हदीस है अल्लाह तबारक तीन बंदों की लाजिम मदद करता है हर मामले में ये तीन लोगों की मदद अल्लाह तबारक तआला करता है नंबर एक ऐसा गुलाम जो अपने मालिक को पैसा देकर छूटना चाहता है आजाद होना चाहता है अल्लाह इसकी मदद करते हैं नंबर दो ऐसा शख्स जो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकला है अल्लाह इसकी मदद करते हैं नंबर तीन ऐसा शख्स जो जिना से बचने के लिए निकाह करना चाहता है अल्लाह लाजिमन इसकी मदद करते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह वादा कर रहे हैं मदद करने का फिर भी हम पिछड़ रहे हैं अल्लाह की मदद के बावजूद अल्लाह का वादा है मदद फिर भी हम पिछड़ रहे हैं तंग दस्ती फंक्शन हॉल का बहाना दावतियों को बुलाने का बहाना सब खत्म है यहां पर सब खत्म एक हदीस के अंदर और इसी तरीके से अल्लाह अकबर थोड़े नौजवान ऐसे भी हैं जो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते है। पैसा है जवान है हट्टे कट्टे है सेहतमंद है सब कुछ है क्या भाई कल्लो लो शादी नहीं भाई आजादी की जिंदगी अच्छी है ऐसा बोलते हैं। जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते जिम्मेदारी से फरारी भागना चाहते नक्को भाई शादी कर लिया तो फंस तो। है अल्लाह अकबर नहीं याद रखो निकाह करना नबियों की सुन्नत है अल्लाह तबारा ने सूर्य रात क्या है थर्टी एट में इशाद फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले बहुत नबियों को भेजा और हर नबी और रसूल को हमने बीवी बच्चों वाला बना के भेजा अल्लाह अकबर हर नबी के बीवी बच्चे थे नबियों की सुनत है निकाह करना जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़ो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मिन सुन्नती सुन्नती निकाह मेरी सुन्नत है एक और हदीस में कहा फमन रगिब अन जो कोई मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं है वो मेरा नहीं है आज कई ऐसे नौजवान हैं जो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते कहा बीवी की जिम्मेदारी कहां बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊं कहां घर बनाना मसला है मैं निकाह याद रखो अल्लाह के नबी ने कहा जो कोई अल्लाह के नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ेगा गोया वो अल्लाह के नबी से नहीं है यानी अल्लाह के नबी की उम्मत में से नहीं अल्लाह अकबर जिम्मेदारी संभालो अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाला अल्लाह मदद करते हैं ऐसे लोगों की और पांचवा पांचवा रीजन एक ये है कि हम जो है ना बराबरी मैच के ऊपर भी उतरे हुए हैं हम क्या करें कैटेगरीज बना के रख लिए। क्या कैटेगरीज हमारी बच्ची एम बी बी एस है तो बच्चा कम अज कम एम डी है ना? उन्हें भी एमबीबीएस रहा तो ने देते हम हमारी बच्ची बी एस सी करे हुई है बच्चा कम अज कम एम बी ए ना? हमारे पास जो है ना दो घर हैं, उनके पास तीन रहे तो दे देते हम हम इतने मालदार हैं इतने तो मालदार है, है तो हम दे देते हम सैयद है उन भी सैयद है तो हम दे देते हम शेख है भी शेख है तो हम दे देते हम खुरैशी है भी उनशी है तो हम दे देते नहीं इस ये इस्लाम का उसूल नहीं है भाई ये अल्लाह का उसूल नहीं है ये नबी का उसूल नहीं है ये सहाबा का उसूल नहीं है ना तो चार बड़े बड़े आईमा गुजरे हैं इमाम अबू हनीफा इमाम शाफई इमाम मालिक इमाम अहमद ये किसी का उसूल नहीं है याद रखना ये तो हमारे बनाए हुए उसूल है और ये उसूलों की वजह से भी आज निकाहों में रुकावट आ रही है रिश्ता अच्छा खासा आ रहा है नहीं हम सैयद घराने के हैं हम खान को नहीं देते अल्लाह अकबर। अरे अजीब बात है भैया ये खान सैयद किसने बनाया ये हमारे बनाए हुए हैं। हम तो सब आदम सलाम की औलाद है हम तो कास्ट सिस्टम में भरोसा ही नहीं करते करते क्या भाई नहीं करते हम हम तो ये समझते हैं कि सारे सारे अल्लाह अल्लाह के के बंदे, हैं। जब नमाज में आते हैं, तो सब बाजू खड़े हो जाते हैं सैयद शेख पीर पठान कुछ नहीं देखते सब आजू बाजू खड़े हो जाते हैं एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयास ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज अमीर फकीर गरीब मोहताज हल्लाज ऑटो चलाने वाला रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर बड़ी कंपनी का मालिक लाखों करोड़ों का मालिक सब आए हैं अल्लाह के दरबार में एक साथ खड़े हुए क्या हैं क्या सबूत है कि हम आधम स्लम की औलाद है ये पीर ज्यादा ये सैयद ज्यादा ये सैयदा, ये शेख ये सब कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर ये पांच चीजें मैंने आपके सामने गिनाई ये चीजों की वजह से आज निकाह में रुकावट और निकाह में रुकावट की वजह से आज हमारे माशरे में जिना आम हो रहा है जिना आम हो रहा है कई ऐसे हुए बच्चे जिनके मां बाप को पता ही नहीं कि बच्चा रातों रातों जा कर रहा है आखिर क्या कर रहा है जाकर आखिर कौन से माहौल में रह रहा है आखिर शहर हैदराबाद आज से 20-25 साल पहले शहर हैदराबाद का ऐसा माहौल नहीं था भाई जो आज का माहौल है भाई आज जो है सड़कों पे नंगापन और यानियत इतनी बढ़ गई है ताजुब होता है हमारे हिंदुस्तान की माए हमारे हिंदुस्तान की बेटियां चाहे वो हिंदू हो के मुस्लिम हो के ईसाई हमारा हिंदुस्तान का ये कल्चर नहीं है भाई अतराफ में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर नहीं है हमारे हिंदुस्तान का कल्चर तो पर्दे वाला कल्चर है हमारा हिंदुस्तान का लिबास ऐसा और वाला लिबास नहीं जो हमारी बच्चियां आज सड़कों पर पहनकर कपड़े पहनकर फिर रही ये हमारा लिबास नहीं है यह हमारे हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है यहां तक कि अगर आप हिंदुइज्म का मुताला भी करेंगे तो हिंदुइज्म के अंदर भी पर्दे से रहने के लिए कहा गया है हम पढ़ते हैं ना महाभारत के बारे में दो भाई थे ना कौन कौन दो भाई राम और लक्ष्मण राम साहब की शादी हो गई तो उनकी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया उनकी बीवी को तो ढूंढने के लिए निकले तो राम के छोटे भाई कौन लक्ष्मण वो कहते हैं ढूंढने निकले मैंने अपनी भाभी का चेहरा आज तक नहीं देखा क्या कहते हैं वो मैंने अपने भाभी का चेहरा आज तक नहीं देखा हाँ हाँ ये वो जो जेवर पहनती है उसे पहचान तो ये उन्हीं का होगा शायद माना यह है कि देवर भाभी को देखना हिंदुइज्म में भी सही नहीं है क्रिश्चियनिटी की अगर आप बात करेंगे तो उनकी बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कोई औरत बेपर्दा होकर बाहर निकलती है उसे पकड़कर सजा के तौर पर उसकी चिकनी हंडी बना दी जाए सर मोड़ दिया जाए उसका सजा के तौर पर इस्लाम भी यही कहता है कि औरत को बा पर्दा बा बाहा, होना चाहिए पर्दे के अंदर रहना चाहिए इस्लाम खवानी बताता है ताकि औरत को महफूज किया जा सके आज पर्दे पे उंगली उठाते हैं लोग कि पर्दा करवाना औरत को जुल्म करने के बराबर है नहीं जनाब हम औरत को इतनी अहमियत देते हैं जितनी सोने चांदी और हीरे जवाहरात को भी नहीं देते लोग हीरे जवाहरात और सोना होता है छुपा छुपा कर ढांक, ढांक कर रखते हैं हम हमारी मुसलमान की औरतों को उससे भी ज्यादा अहमियत वाली समझती हैं, इसलिए ढांक कर रखते हैं उन्हें एक अच्छा एग्जाम्पल फेसबुक वगैरह पर फिरता है पोस्टर बना हुआ है उसमें दो तस्वीरें हैं चॉकलेट की एक चॉकलेट में लपटा हुआ है रखा हुआ है महफूज है दूसरा चॉकलेट खोल के परनी के बाहर रखा हुआ है सारी आके उस पर बैठी हुई हैं। पर्दे में रहेंगी बुरी नजरों से महफूज रहेंगी पर्दे के बाहर आ जाएंगी दूसरों की नजरों से महफूज नहीं रह सकेगी याद रखना ये पांच चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं कोशिश करिए कि हमारे बच्चों के ऊपर नजर भी रखिए और अल्लाह के लिए कोशिश करिए अल्लाह मदद करेगा जब वो जवानी की दहलीज पे आ जाए तो उन्हें इस्लाम की तालीमा सिखाइए आज बड़ा अजब मामला है भाई हमारे बच्चे सब कुछ जानते हैं सब कुछ जानते हैं सब कुछ मैं रसूल पर खड़ा हूँ मस्जिद में खड़ा हूं बहुत एहतियात सा जबान इस्तेमाल कर रहा हूं हमारे आज के बच्चे सब कुछ जानते हैं हमारा ग्यारह बारह साल का बच्चा वो सब कुछ जानता है जो आज से बीस पच्चीस तीस साल पहले बीस साल का नौजवान भी नहीं जानता था मामला ऐसा फैल गया है माहौल ऐसा बनाया गया है वजह क्या है कि हमारे बच्चों की शादी में हमने देरी की जाहिर सी बात है इंसान है सेहतमंद है तो जिनसी ख्वाहिश तो पैदा ही होगी ही होगी वक्त से पहले पूरी वक्त पर अगर पूरी नहीं होगी तो वह खाज गलत तरीके से पूरी की जाएगी होता है ना आमतौर पर आपके छोटे बच्चे घर में होते हैं आपका बच्चा अगर कोई चीज की जिद कर रहा है कह रहा है कि मैं वो वाला खिलौना खरीद लूंगा आप कह रहे हैं अभी नहीं दिलाऊंगा बाद में दिलवाऊंगा वो बच्चा जिद करेगा करेगा आखिर में सोचेगा कि अब्बा से मंगने से बेहतर कोई और रास्ता निकाल के लेने की कोशिश कर लेंगे ना निकालेगा रास्ता वो खिलौना पाने का रास्ता निकालेगा कैसे किसी ना किसी तरीके से इसी तरीके से जिनसी ख्वाहिश का मसला भी यही है भाई जब बच्चे नौजवान होते हैं जब वो बला बलुगत पे पहुंचते हैं तो उनकी जिनसी ख्वाहिश होती है वक्त रहेगा एक वक्त सबर कर लेंगे लेकिन बाद में दूसरे रास्ते ढूंढना जब शुरू करेंगे तो आपके हाथ से आपके बच्चे निकल जाएंगे आप उन्हें काबू नहीं कर पाओगे इसके बाद आज कदम कदम पर जिना के अड्डे खुले हुए हैं कदम कदम पर जिना के अड्डे खुले हुए हैं चलिए ठीक है भाई हर कोई औला वाले को अपने बच्चों पर बहुत भरोसा होता है हम जाकर वाले से शिकायत करेंगे वाले बोलेंगे नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती कितने वाकयात आपको सुना भाई कितने वाकयात आपके मेरे इलाकों के अंदर शहर हैदराबाद के अंदर किसी की बहन गायब है दो चार दिन किसी की बेटी गायब है कहां चले गए मालूम नहीं चले गए बस कोई है हमारी मुस्लिम बहन है जो गैर मुसलमानों के साथ भागी हुई है कोई आशिकी के चक्करों में मोहब्बत के मसाइल के अंदर किसी के साथ गुल उड़ा रही है ये सारे मसाइल हमारे माशरे के हैं जनाब अगर आप ये समझते हैं कि अगर इसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे और आप ये समझेंगे कि वो सौ घर के बाद वाले घर में मसला है मैं तो सौ घर दूर हूं वो दिन दूर नहीं होगा कि सौ घर पार करके ये मसला आपके और मेरे घर में दाखिल ले ले याद रखना मामला है ऐसा हमारे माहौल का कोशिश करिए इस सिलसिले में खुद भी बदलिए दूसरों को भी बदलने की कोशिश करिए अब आज के इस खुदबे में इंशाल्लाह आखिर में 10-15 मिनट के अंदर चंद अहम बातें बताकर बात खत्म कर करूंगा मैं कह रहा था कि जब मैं खुदबा बनाना शुरू किया तो आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा कलम रुकना ही रहा मैं ताजुब में हूं क्या बयान करूं कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं क्या बातें बताऊं सब अहम लग रही है को सब समझ में नहीं आ रहा था मुझे तो चंद अहम बातें पांच चीजें आपके सामने रख दिया मैं आपके अब आखिरी हिस्से में और चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा आज हमारा मामला कैसा है देखिए ये चीजें तो आड़ बनी हुई है पांच बड़ी बड़ी इसके अलावा अब यह पांच मरहले तय होने के बाद तालीम का मरहला तय हो गया जाति घर का मसला तय हो गया ग्रेजुएशन डिग्रियों का मसला तय हो गया पैसे का मसला तय हो गया हां बरादरी सैयद खान सब मसले तय हो गया नहीं बराबर बराबर है सब अब, अब आगे प्रोसेस हमारी शुरुआत पैगाम और निकाह के मामले में रिश्तों के मामले में अब होती है कैसे शुरू होती है मामलात कि लड़के की तरफ से उसके खानदान की चंद औरतें वालदा बहने फूफू ताई चाची आ, मामी ये सब औरतें जमा होकर लड़की के घर को जाती है लड़की के घर को जाकर लड़की को देखना चाहती है देख सकते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन बुरी बातें जो अब वो हैं जो बताने लगा हूं अब बुरी बात यह है कि समझ जाइए जितनी औरतें खानदान की गई है उनको लड़की पसंद नहीं आई लेकिन फोटो देखने के बाद लड़का कहता है मुझे पसंद है फिर भी रिश्ता नहीं किया जाता अरे भाई जिंदगी किसको गुजारना है आपकी फूफू गुजारेंगी आपकी ताई गुजारेंगी जिंदगी कौन जिंदगी गुजारेंगे लड़का जिंदगी गुजारेगा ना तो देखा जाएगा उसकी पसंद हाँ आप जाइए घर का माहौल देखिए घर वाले कैसे हैं अखलाक वाले हैं रहन सहन कैसा ये देखने के लिए घर जाइए लेकिन लड़की पसंद करने का मामला है तो सिर्फ एक ही बंदे का हक है खाली वो जिससे उसका निकाह हो रहा है उसके होने वाले शोहर का हक है अब हमारे लोग जाते हैं लड़की को देखते हैं अभी उसमें नुस्ख निकालना शुरू करते हैं देखिए नुस्ख कैसा निकलता एक इंसान की बनाई हुई चीज है चाय बना के कोई ला ले अरे क्या खराब चाय बना दिए भाई मसला नहीं है कोई टेलर कपड़े सी दिया अरे क्या खराब पूरा टाइट कर दिया यार वो कपड़े खराब कर दिए पूरे होता है सर कोई खाना बना दिए कोई घर बनाया इंजीनियर अरे कैसा रो पूरे सब छत हुआ टेड़ा है सब पेंट सही नहीं करे बोल सकते मसला नहीं इंसान का बनाया हुआ है ना बुराई निकाल सकते लेकिन रब्बे ताला की बनाई हुई चीज में बुराई निकालना हमारा हक नहीं है भाई उस लड़की को अल्लाह ने बनाया है हमारी हमारी औरतें भाई हमारी अपनी माए बहने की बात कर रहा हूं हमारी खानदान की औरतें हमारे माशरे में रहने वाली जाती है अभी उसकी नाक देखी जाती है उसकी आंखें देखी जाती है आ, जरा बाल तो खोल के बतलाइए जनाब बाल लंबे है तो निकाह होगा छोटे है तो अरे तो की बातें बालों से निकाह ताल, क्या क्या ताल्लुक है जब मसला है नहीं हाँ जरा पैर बताओ पैर पैर बताओ पैर के में क्या देखते हैं अरे पैर क्या देखने की चला कर देख रहे हैं लंगड़े लूड़े तो नहीं है हाँ हाथ देखो हाथ बताओ अभी वो मामले के अंदर एक और चीज भी देखी जाती है जरा पैर में देखो कमान बनी ने बनी जरा किस्मत पैरों में तलाश कर रहे हैं अजीब और गरीब लोग होंगे हमारे हमारे लोग किस्मत खदमों में बच्ची के खदमत पैरों के अंदर हमारी किस्मत तलाश कर रहे हैं लोगों का आज अकीदा है कहते हैं कमान बनी हुई है तो किस्मत वाली बच्ची नहीं पैर चपटा है पूरा जमीन को लग रहा है तो किस्मत नहीं है अजीब गरीब है अच्छा पैर नहीं है तो किस्मत नहीं रहती उसकी खाना वाना नहीं मिलता उसको लंगड़े लूले लोग भी जिंदगी गुजार रहे हैं पैरों में किस्मत नहीं रहती याद रखना किस्मत पैरों में नहीं होती किस्मत तो हमारी अल्लाह तबारक ने अर्श पर लिखी है याद रखना लिख दी है अल्लाह ने हमारी किस्मत को हमारी तकदीर को लिख दिया है रब तला ने तुम पैरों में तलाश कर रहे हैं आसमान की चीज़ को अजीब गरीब बात है उस पर नुस्ख निकाले जाते हैं भाई छोटी छोटी चीजों पर रिजेक्ट कर दिया नहीं जरा कान छोटे बड़े रहते अच्छा था अरे ताजुब की बात है नहीं जरा नाक खड़ी वाली होना हमारे को बैठी वाली नाक नहीं होना अल्लाह की खिलकत है मेरे भाई ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है कैसा तुम्हारी मजाल के तुम अल्लाह की तखलीक में बुराई निकालते हो तुम्हें शर्म नहीं आती इस मामले में खौफ नहीं होता कि कल खयामत में अल्लाह तबारक तबारको ताला सवाल कर दे क्या बंदी बता मेरे बनाए हुए तकलीफ में तेरी जरूरत कैसे हुई बुराई निकालने के अल्लाह अकबर क्या जवाब दोगे मामला यहां से शुरू होता है हमारा चलिए ये मरहले भी अगर तय हो गए देखिए मुश्किलों में मुश्किलें हैं हमारे पास वो बड़ी बड़ी पांच मुश्किलें तय होने के बाद यह छठी मुश्किल थी अब कि लोग जाके तय करना आप अच्छा इनमें भी एक और बड़ा बेहयाई का मसला है हमारे पास जब बच्ची को देखने जाते हैं तो औरत औरत को देख सकती है लेकिन खानदान के मर्दों को भी साथ ले जाया जाता है पुप्पा क्या करेगा भाई देख के चाचा क्या करेगा देख के ताया क्या, क्या करेगा देख के मामू क्या करेगा देख के जायज नहीं है इस्लाम में हराम है हराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी गैर महरम को छूने से बेहतर यह है कि तुम अपने सर में कील ठोक लो कीला मार लो जाके देखते हैं ये साहबान भी मर्द हजरा शर्म नहीं आती है लोगों को जारी भी कि गैर बच्ची को देखने के वास्ते चले गए अच्छा डिमांड भी की जाती है कभी कभी नहीं दिखाया गया अगर वहां जरा हमें भी देखना है अल्लाह अकबर शर्म नहीं आती तुम्हें जायज नहीं इस्लाम में चलिए ये सारे मरहले तय होने के बाद भी एक बड़ा मसला क्या होता है फिर अब चलो अब क्या होगा रिश्ता तय रसम किया जाएगा आमतौर पर रसम हम कहते हैं मंगनी कह सकते हैं उसे हाँ इस्लाम के अंदर जो है ना शादी से पहले ये एक दावत कर सकते हैं आप ये दावत किस लिए ताकि बातचीत हो जाए इसलिए और कुछ भी नहीं इसमें लेन देन सोने की अंगूठी चांदी की अंगूठी ये सब कुछ भी नहीं है छल्ला पीनाओ माला पीनाओ कपड़े लाओ मिठाई लाओ कुछ भी नहीं है इसके अंदर कोई एक दूसरे के घर को या इनके घर को या इनके घर को ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे वाले बच्चे के पास ही जाए तो रसमत है बच्ची वाले बच्चे के पास भी जा सकते हैं मसला नहीं रीजन क्या है बड़े लोग आपस में बैठ के मेहर की रकम तय कर लेंगे तारीख तय कर लेंगे कि ये तारीख को निकाह होगा यह तय करने के लिए आप ये दावत कर सकते हैं लेकिन इसमें भी हमारे लोगों ने बड़ी अजीबो गरीब चीजें रख ली है कहा जाता है भाई बच्ची को आप क्या ला रहे हैं बोलो हाँ हम हा, बच्ची को जो है ना पैर की चांदी की चैन ला लेंगे आप बच्चे को क्या दे रहे हैं शर्म की हद ये है बच्चे को सोनों की अंगूठी दे देते कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी अल्लाह के नबी ने उतार कर फेंका और कहा तुम अपने साथ जहन्नम के अंगारे को लेकर फिर रहे थे हराम है सोना उम्मत के मर्दों पर हराम है हमारे ऊपर सोना पहनना जायज नहीं है इस्लाम में सोना पहनना मर्दों को रेशम पहनना जायज नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर मर्दों को यह कौन सा इस्लाम है अल्लाह आलम भाई अब ये नौशा जो है ना होने वाले नौशा रसम के अंदर सोने की अंगूठी पहनने के वो इतराते फिरते जहन्नम का अंगार हाथ मेरे लेके देखो रसम हो गया मतलब अजीब बात नहीं है थोड़ी है। ये मिठाई के डब्बे अदल बदल करना तुम लाओ हम लाओ तुम एक किलो का लाए तुम पाओ किलो का लाए तुम आला किस्म के लाए हम अदना किस्म की ये अजीब और गरीब सब इस्लाम में नहीं है भाई है। हाँ शादी से पहले एक मीटिंग हो सकती है जायज है किस लिए वो भी बातचीत करने के लिए मेहर कितना देगा बच्चा अच्छा मेहर की बात ही नहीं होती जुब की बात है मेहर की बात ही सब चीजें हो रही है सोने की अंगूठी चांदी की चैन मिठाई के डब्बे बिरयानी डबल का मिठा सब हो रहा बातचीत तय तो हो रही कितने लोग आएंगे कहा आएंगे तुम क्या खिला रहे हम क्या खिला रहे जोड़े की रकम जहेज की नकद रकम ये फला फला क्या क्या देते फ्रिज देते अलमारी देते टीवी देते सब बात हो रही मेहर की बात नहीं होती पूरे देख लीजिए पूरे मीटिंगों के अंदर मेहर कब मालूम आखिरी जब निका का वक्त होता है साहब कितना बोलते हैं नौशा जो हैबत खा जाते है, आई ले क्या तो भी मसला है महर इतने दिनों से सब बात अंगोठी का मसला या सब का मसला या मिठाया खाए सब करे सब अचानक ये साहब नया बटका का लिए महर क्या रहता भाई तो बाजू से उनके ताया चिच्चा अब्बा कौनते भी रहते हाँ लिख दो लिख दो पांच हजार पचास हजार लिख दो मौत जल बाद में देने का लिख दो पचास हजार लिखो पचास लाख लिखो देना किसको है ये मामला हमारा रहता भाई ये चीजें इंशाल्लाह सुधारने की जरूरत है ये सब इस्लाम का हिस्सा नहीं है अच्छा इस्लाम के हिस्से के अंदर भी इस्लाम में बटा हुआ है नहीं हनफी मालिकी शाफी हम्बली इस्लाम में भी नहीं है बाद में आने ये फिरकों के अंदर भी कुछ भी नहीं है असलियत इसकी बाद में लोग बना लिए सो है सब ये बाद में अल्लाह अकबर ये सारे के सारी चीजें जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हम खुद रोड़े डाल रहे हैं इसके अंदर हम खुद रोड़े डाल रहे हैं हम खुद कहते हैं कि भाई अब जहेज के मामले में तो कुछ बोलना ही नहीं है इंटरनेशनल फखीर बोल सकते हैं फकीरा हैं ये सब जहेज मंगने वाले भिक मंगे हैं इनको जरे भी तमीज जरा भी इनका ज़मीर जिंदा नहीं है कैसे लोग हैं जो लड़की वालों से जहेज़ मंगने में शर्म नहीं आती हूँ लोगों को मुझे तो बहुत ताजुब होता है भाई बहुत ताजुब होता है मेरे फ्रेंड सर्कल में या मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ों के अंदर बगैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हुआ और माशाल्लाह हंसी खुशी की जिंदगी गुजर अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड कैसा करते समझ में नहीं आई मेरी बात भाई कई पिछले साल का वाक्य है आपके रिंग रोड का मामला बोली के फंक्शन हॉल में सब जमा हो गए प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करो नहीं करते बोले तो निकाह कैंसिल हो गया अजीब बात है। बात है है शर्म की नहीं हमारा वो वीडियो क्लिप चल रहा है जब मर्द होने पे इतराते हो तो जहेज को क्यों तुम चाहते हो जब मर्द होने पे इतराते हो तो जहेज को क्यों तुम चाहते हो या जहेज से नाता तोड़ दो या मर्द कहलाना छोड़ दो जब मर्द है अंदर मर्दानगी है ताकत है तो फिर क्यों भीख मांग रहे हैं क्या जरूरत है मांगने की नहीं 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 वो जरा क्या है बोलते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फातिमा दिए नहीं 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 मेरे भाई गलत फहमी है आपकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने निकाह हुए ग्यारह से ज्यादा निकाह हुए कोई भी निकाह में अल्लाह के नबी जहेज लिए अबू बकर सिद्दीक कई शादियां किए जहेज लिए उमर बिन खत्ताब शादियां किए जहेज दिए नहीं लिए अल्लाह के नबी की चार बेटियां एक बेटी का आप तस्करा करजरत जैनब हैं है। हजरत रुकिया हजरत फातिमा रजियान चारों के निकाह हुए किसी को जेहज अल्लाह के नबी ने दिए हजरत अली रजी का निका क्योंकि अल्लाह के नबी सल वसम की किफ़ालत में हज़रत अली पलते थे हजरत अबू तालब का इतकाल हो गया था ना अल्लाह के नबी के चचा का चेरे भाई थे हजरत अली अल्लाह के नबी के साथ परवरिश पाए सात फलत में थे अल्लाह के नबी के लिहाजा अल्लाह के नबी खुद दूल्हे वाले थे अल्लाह के नबी खुद दुल्हन वाले थे उस वक्त में हजरत अली की मदद करें कैसी मदद करें हजरत अली गए जिरा जिरा बेच के मेहर की रकम अल्लाह के के नबी हाथ को दिए वो मेहर की रकम से अल्लाह के नबी से चटाई तकिया पानी का मशकीजा यह सब ला के दिए हजरत अली को जहेज नहीं दिए भाई जहेज है ही नहीं इस्लाम के अंदर याद रखना कॉन्सेप्ट ही नहीं है आप बोलेंगे फिर आया कैसा ये अपने पास हिंदुस्तान के अंदर है सऊदी अरब में आज भी जाओ जहेज नहीं रहता सऊदी अरब के अंदर की औरतों को इस्लाम मालूम है उनकी औरतें मेहर की डिमांड करती है मेहर की डिमांड हम भी कर सकते कोई मसला नहीं है मेहर की डिमांड होती है उनकी घर होना पूरा बड़ा हज़ार गज के ऊपर मेहर उनका यह होता उनका मेहर क्या होता कि रोज़ तहजुद की नमाज पढ़ेंगे मेहर उनका यह तय होता आज भी सऊदी अरब के अंदर मुकम्मल खुरान हिफ्ज़ कराएंगे यह मेहर होता उनके पास परसों की तीन चार महीने पहले की खबर है सऊदी अरब की सरजमीन पे एक औरत ने अपना मेहर यह तय करा कि तुम खुफर बनोगे मेहर तय हुआ ये जहेज की रसम हमारे पास है बर सगीर के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों यहां पर ज्यादा था ना तो हिंदुइज्म के अंदर क्या है बहन को तरके में से हिस्सा नहीं देते जो विरासत बसती ना वो विरासत में से हिंदुइज्म में बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता क्या कहा जाता जब तर्का बटता कहा जाता हमने तो तुम्हारी शादी पैसे खर्चा करके कर दी है वही तुम्हारा हिस्सा है अल्लाह अकबर यही मामला हमारे पास भी आ गया हम ये समझते हैं कि बहनों को जहेज दे देंगे जब वाल का मसला तरके का मसला विरासत का मसला बांटने का आएगा तो उनके जहेज तो दे दी ना तुम्हारे को जब नहीं ये इस्लामी तरीका नहीं है मेरे भाई ये गलत तरीका है याद रखना और इसी तरीके से बात बहुत सारी बातें हैं मैं क्या क्या बताऊं हर मामले में ख़दम खदम पे एक नई बिदात और नई चीज को हमने गढ़ लिया है इसी तरीके से साहबा के कैसे निकाह हुआ करते थे हजरत सही तुकी से कहते हैं एक औरत अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आकर कहने लगे अल्लाह के नबी अल्ला मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ अल्लाह के नबी खामोश हो गए रावी कहते हैं कि बहुत देर तक वो औरत इंतजार में बैठी रही कि अल्लाह के नबी कुछ जवाब देंगे अल्लाह के नबी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो दूसरा शख्स खड़ा हो गया कहने लगा अल्लाह के नबी मैं इसे निकाह करने के लिए तैयार तो हूं अल्लाह के नबी ने कहा मेहर में देने के लिए कुछ है कहा कुछ भी नहीं कुछ तो होगा कुछ नहीं जाओ एक लोहे की अंगूठी ढूंढ के ला लो गया तलाश किया वापस आकर अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली कहा अच्छा कुरान की कुछ सूरतें याद है क्या कहा याद है अल्लाह के नबी ने कहा देखो ये ये सूरतें कुरान की तुम्हारी बीवी को याद दिला देना यही तुम्हारा महर तय हुआ है अब तुम्हारा निकाह हो गया अल्लाह अकबर इस्लाम तो आसान करके बताया भाई निकाह को आसान है यह वाले की जिम्मेदारी है इसको आसान करना वालिदेन की जिम्मेदारी और आप जानते हैं इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद वसल्लम कौन है भाई कोई आम शख्सियत है क्या दर्जा कोई कम है क्या अल्लाह के बाद किसका सबसे ऊंचा दर्जा है जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्लाम का इमामुल अंबिया बनाए गए हैं अल्लाह तबारक वाली कहते हैं नबी अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ सोने के पहाड़ों को चला दें आप चाहते हैं तो अल्लाह वो नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल असलम जिनको हौसे कौसा अता किया गया जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे जिनकी जिनके बारे में अल्लाह ने खुद तारीफ बयान की आसमानों से वो रफा आना का अल्लाह के नबी एक जंग से वापस हो रहे हैं हज़रत सफ़ैया रज़ी अल्लाह तला से आपका निका होता है दौरान सफ़र निका हुआ वलीमे की बारी आई तो अल्लाह के नबी ने कहा देखो तुम्हारे पास जो कुछ है लाओ यहाँ रखो दस्तखान पर दस्तखान बिछाया गया साहबा खजूर ला रहे हैं कुछ मेवे हैं सब चीज़ें लाई गई सबको मिलाकर एक हलवा बनाया गया ना तो गोश है ना तो चावल है ना तो रोटी है सब दिए हुए अतियो के अंदर से मिला एक खलवा बनाया गया सब लोग खाए ये इमामुल का वलीमा हुआ अल्लाह अकबर और हम ये समझते हैं कि बड़ा फंक्शन हॉल के बगैर वलीमा नहीं होगा हम ये समझते हैं डेकोरेशन के बगैर वलीमा नहीं होगा दिखावा है सब ये तुम्हारा ये सब तुम्हारी अनानियत तुम्हारा घमन तकबर है तुम्हारा ये जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता याद रखना जो तुम खुद पसंदी में आ गए यहां पर ये इमामुल अंबिया का वलीमा था आज चौ तरफ फितना बरपा है बहुत वजूहत है फतने और फसाद के तिर्मिजी की यह सही हदीस है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद ने फितने और फसाद के वजूहत में से एक बड़ी वजह यह बताई कहा देखो अगर तुम्हारे पास कोई मर्द निकाह का पैगाम भेजे और अगर तुम उसके दीन और अखलाक पर मुतमैन हो हाँ भाई ये दीनदार भी है और अखलाक वाला भी है अगरचे के इसके पास जती घर नहीं है अगरच के इसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है अगरचे इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं है अगरचे के इतना पैसे वाला नहीं है लेकिन इसका दीन सही सलामत है और बड़ा अखलाक वाला बंदा है अल्लाह के नबी सल कहते हैं ऐसा शख्स जिसका दीन और अखलाक पर तुम्हें तुम्हें भरोसा है तुम भरोसा करते हो ऐसे तो शख्स पर इसका निकाह का पैगाम अगर तुम्हारे घर पर आए तो फ़ौर अपनी बेटी और बहन के साथ इसका निकाह कर दो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखो यह जमीन के ऊपर जबरदस्त फसाद और फितना मत जाएगा याद रखना फसाद और फितने की एक वजह कौन सुने कौन बताए बेकार की चीज़ों से में फुर्सत मिले तो ना हम यह समझते हैं कि हमारी ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश हमारे अरमान निकालना है हाँ कभी अम्मी के अरमान है कभी अब्बा के अरमान है कभी भाई के अरमान है कभी बहन के अरमान है कभी भूपू के कभी खाला के हजारों अरमा ऐसे के हर अरमा पे दम निकले हमारा मसला ऐसा है हजारों अरमा ऐसे के हर अरमा पे दम निकले का मामला है हमारा शादी होती तो कार्ड छपता कार्ड के ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे अल्फाजों में लिख देते हम निकाहन्नति निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कौन लिखते हम लिखते हम छापते भाई दो काम करो इस सिलसिले में एक काम यह करो कि अगर वो कार्ड पे अन निकाह मिन सुन्नति लिख रहे हैं तो फिर सुन्नत के मुताबिक निकाह करो सुन्नत के मुताबिक निकाह करो नहीं अगर नहीं कर सकते तो उस पर वो निकाल दो अनिकाह मिनसुन्नति निकाल दो लिख दो हमारे पूरे खानदान के अरमों अरमानों के वास्ते हम ये काम कर रहे हैं लिखो निकाओ मिनसोरती मत लिखो खाजी को मत बुलाओ जरूरत नहीं है आयतें पढ़ने के खुरान की कुरान की कुरान की आयतें पढ़ के बेहोम मत करो तुम क्या करो तुम्हारे अरमानों का नाम लिख लो उसपे अम्मी के अरमान निकाले जाएंगे अब्बा के अरमान निकाले जाएंगे पप्पू और चाचा के अरमान निकाले जाएंगे ताजुब की बात है जब लोगों से कहा जाता है अरे क्या भाई शर्म आनी चाहिए आपकी शादी में बाजा बज रहा था मौसी अरे क्या करूं भाई छोटा भाई ला लिया ऐसा आपकी बीवी को घूर के आपका छोटा भाई देख लिया तो खामोश बढ़ जाते आपकी होने वाली बीवी कुछ बात करो शादी में आपका होने वाला छोटा भाई आपकी बीवी से बदतमीजी करा तो खामोश बढ़ जाते नहीं नहीं ना आपकी जातियत का मसला है अल्लाह नाराज होते हो जाए क्या मसला नबी नाराज होते हो जाए छोटा भाई नाराज नहीं होना भाई ठुप्पा बोले और चसरा रखना है कैसा नाराज करो उनको अल्लाह नाराज होते हो जाए कोई मसला नहीं है नबी नाराज होते हैं। हो जान तो मसला नहीं है लेकिन फुप्पा नाराज नहीं होना चना दोस्त नाराज नहीं होना दोस्त जबरदस्ती ला लिए भाई अरे भाई शादी खाने का किराया आप दे रही शादी आपकी हो रही बीवी आपकी बैठी हुई है पूरे रिश्तेदार आपके है खर्चा आप कर लिए आपका निकाह हो रहा ऐरा गहरा नितो खरा के बाजा बजा लेता ऐसा कैसा बजाता भाई ये तो आपकी भी ख्वाहिश थी अंदर से थोड़ा बचना करके ये तो आपकी ख्वाहिश थी असल में आप उसके ऊपर डाल के निकाल लिए पकड़ा तो आपको जाएगा पकड़ा तो आपको जाएगा नौशाह बोलते देखो अपन नौशाह नौशाह फारसी लफ्ज है नौशा का मतलब क्या होता है नौ का मतलब न्यू होता है न्यू नौ मुस्लिम बोलते देखो न्यू शाह का मतलब किंग न्यू किंग मतलब वक्तिया तौर पे इसको बादशाह बनाया गया इन्हें जो बोला सुन लिया जाएगा नौशा की बात सुनते लोग अच्छा वो नौशा की बात की सुनने में बड़े अजीब करीब रस्म रिवाज भी है नौशा को आठ दिन पहले तक बाहर निकलने देना अरे ये क्या तो भी मसला है भाई गोशा हो जाना मर्द है मेरा भाई शादी कर रहा है इस वास्ते माशाल्लाह माशा को उसको गोशा में रख रहे हैं अल्लाह को अग पर सब इस्लाम में नहीं है साँचक मंजे के मामले हमारे अजीबो गरीब है औरत मर्द मिलके बैठते हैं सारे महफिलों के अंदर इस्लाम में जायज़ नहीं है और एक अहम बात बताना चाहता हूँ हल्दी की रस्म हमारे पास होती है हल्दी की रस्म हल्दी के रस्म से जिन्नात का ताल्लुक का याद रख लो हमारे पास ये रुकिया के सेशंस में बहुत सारे वाक़ आते हैं शादी से पहले अच्छा तो शादी के बाद तबीयत खराब हुई कई को हुई हल्दी की रस्म करे जिन अटैक करा जिनका असर होता है हल्दी लगा देने से हां खूबसूरती के लिए लगा रहे हैं कभी तो मसला नहीं है दवाओं में मिला के कोई मसले की बात नहीं है गोरे होने के लिए खूबसूरती के लिए मसला नहीं है दवाओं के तौर पर लेकिन वो रस्मी तौर पर जब बिठा के करते हैं तो वो एक खास जिन के लिए किया जाता है जो हिंदुजम के अंदर है एक खास जिन होता है उसको ये लड़की जो है ना दी जाती है एक रात के लिए हिंदुजम के अंदर होता है वो हम भी उसको अपना की अब क्या करते हैं हल्दी लगाते है बच्चे को अचानक तबियत खराब हो जाती होता है, पे देखो आप अचानक रात 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 में में बजे को फोन आता शादी की आपकी बच्ची बेहोश होकर गिर गई पूरे भर आपकी बच्ची जो है ना अचानक गालियां देना शुरू कर दिया देती फिर जिन आ गया उसके में कल रात में हल्दी लगाए थे ना आप ये सारे मसले हैं भाई हमारे पास और बहुत सारी बातें हैं आखिरी में दो तीन बातें बताकर बात खत्म करने की कोशिश करूंगा देखिए बातें खत्म हो नहीं पा रही है हालांकि बहुत सारी चीजें नहीं लिख के लाया मैं इसके बावजूद भी दो तीन बातें बताऊंगा जो गाने बजाने के ताल्लुक से हमारे पास रस्म रिवाज जो आम है आज तहजुब की बात है हां दफ बजाना जायज है इस्लाम के अंदर लेकिन दफ बजाने के असूल बताए गए हैं दफ ना तो ढोल होता है ना तो तबला होता है इन दोनों से अलग होता है दफ जो हमारे माशरे में आमतौर पर नहीं देखता अगर आप वो मरफे को दफ समझ रहे हैं तो गलत फहमी है आपकी मरफा अलग है दफ अलग है ठीक है मरफा नहीं दफ इस्लाम में जायज है शादी और ईदों के मौके पर बजाना कौन बजाना मर्द नहीं बजाना अल्लाह के नबीन के दौर में दफ बजाया गया शादी और ईदों के मौके पर लेकिन साहबा ने बजाए दफ कभी भी लाके बताओ एक दलील अल्लाह के नबी दफ ने बजाए अम्मा आयशा सिद्दीका दफ नहीं बजाए बल्कि हमारे खानदान की छोटी छोटी बच्चियां जो दफ बजा कर कौमी तराने पढ़ सकती हैं इश्कियाार नहीं आशिक के मोहब्बत के ये सब चीजा नहीं क्या पढ़ सकती हैं कि हमारे खानदान के बड़े लोगों ने ऐसी ऐसी जंग जीती ये रखो आप बड़े बहादुर लोगों का खानदान है हमारा आज हमारे भाई की शादी है ऐसा कुछ भी छोटे मोटे चीज़ें आप रख सकते कौन बोलना ये वो भी दब बजाने के मामले में बच्चियां औरतें भी नहीं और बड़े बूढ़े कोई मर्द नहीं और आज हमारा मामला कि वो छोटी चीज़ को इस्लाम जब इजाजत दिया तो हम उसको पकड़ के क्या करें सब चीज़ों में पहले हल्लू हल्लू क्या करें मरफे में आए मरफे में आते आते मरफों में पैनो ऐड कर दिए फिर पैनो में ऐड होते होते फिर शेरी बाजा आ गया फिर वो आ गया ये आ गया तीन मार चार मार, पांच मार, सब पूरे मारा हम पर लाके रख लिया। नाच रही की बात मैं आपको इसमें दाढ़ी वाले भी है टोपियां ले के, ले के, नमाजी परिजगार लोग नाच रहे साथ में क्या भाई अल्लाह अकबर हराम है इस्लाम में मौसी हराम है इस्लाम के अंदर मौसी अल्लाह के नबी मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे जो अपने ऊपर गाने बजाने मौसी को हरा हलाल कर लेंगे अल्लाह अकबर ऊपर हलाल कर लेंगे अपने ऊपर मौसी को आज क्या सा? हलाल समझ रहे क्या बुरी बात है भाई बजा लिए तो जितने लोग ये बाजा बजाने वाले हैं ये मौसीकी रखने वाले हैं ये सब लोगों से एक सवाल मेरा वो सवाल ये है कि अगर हम नबी की नबी के दौर में जिंदा होते या नबी हमारे दौर में यहां पर मौजूद होते और हम अपनी शादी में गाना बजाना रखते हैं तो क्या हमारी दावतों में हम नबी को दावत दिए तो नबी आते थे छोटा सवाल अपने जहनों में रखो कि गाने बजाने की महफिले हम जो रख रहे हैं शादियों के अंदर अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जमाने में होते या हम नबी के जमाने में होते और हम ऐसी शादी करते जो आज कर रहे हैं और ऐसी शादियों में हम नबी को दावत देते तो क्या नबी आते आप कहेंगे हरगिज नहीं आते भाई ऐसी चीजों के अंदर जानते ये बुरी चीज है ये गलत चीज है हम जानते लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं ये सारी चीजें मेरे करीबी लोगों के पास मुझे इतना मिली कि वो लोग शादी में बाजा रखने वाले हैं तो मैं दो दिन पहले पहुंच गया उनके पास बात करने के लिए। के लिए लिए समझाने कोशिश अब वो शादी से पहले का मौका ऐसा रहता मारू मरूम पे रहते पूरे उतावले रहते पूरे अरमाना निकालने का रहता मसला कोई भी जर्रा भी खिलाफ बड़ा तो छिड़छड़े हो जाते हैं लड़ाया सोचे तो सो शादियों के अंदर देखो आप आमतौर पर अपने शादियों के अंदर गाने बजानों में लड़ाई होती तो मैं नौशा से मुखातिब होकर कहा माशाला नौशा कैसे हैं हो गए तैयारियां हो गई मोला मैं दुआ देने के लिए आया असल में आपको अरे खुश हो गए माशाला बोला हाथ उठा के देता हूँ दुआ हाँ हाथ उठा के मोला नौशा अल्लाह ताला आपकी ये शादी में बरकत अता करे ये बाजे की वजह से अल्लाह जितने बैंड बाजे बसते जाएंगे उतने रहमतें नाजिल करते चले अरे भाई क्या बोल रहे हैं बड़े भैया जी बरीब बात कर रहे हैं क्या ये बोला ये बोलना चाहने की ये बोलने के वास्ते आया कि जिस शादी में बाजा बस्ता वहाँ रहमतें और बरकतें नहीं आती जब रहमतें बरकतें नहीं आती तो खुशहाल जिंदगी नहीं गुजरती एक महीने में भी खुला हो जाता तलाक हो जाता कुछ भी हो सकता लड़ाई झगड़े ये मामला हमारा है आज समझने की जरूरत है भाई कि ऐसा नहीं कि वो जमात ये जमात का मसला है पूरे जमातों में बाजा हरा, हराम है हर जमात वाले मुसाब को पूछ लो कौन से तो भी लाल शमने वाले हरे शमने वाले पीले वाले काले वाले उदे वाले नीले वाले कौन से मुसाब को भी पढ़ के पूछ लो सब मुसाबा ये बोलते बेटे बाजा नहीं बजाना अच्छी बात नहीं है बेटे ये मौसी अच्छी चीज नहीं है सब बोलते ऑर्केस्ट्रा ये गाने वालियों को बुला के नचिए सब हराम है सब बोलते अच्छा वो टाइम पे ना फिर वारियत एहल हदी शाफाई मालिक की याद नहीं आता जब कभी भी कुछ भी इमाम अब हनीफा जब याद नहीं आते ये बेकार टाइमों पर याद आते खाली वो टाइम पर याद करो ये लोगों सब को सबको फ़ायदा होता है इन शाह और बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई कहने के लिए तो लेकिन याद रखो ये निकाह का मामला इस्लाम के अंदर चार पाँच मिनट का है सिर्फ पाँच मिनट में निका की महफिल खत्म निकाह की दावत वही कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर सीधा सीधा आसान आसान तरीका है हमारे पास इस्लाम के अंदर याद रखो अगर नबी की सुन्नत समझ के कर रहे हो तो फिर वैसे करो नहीं अपने अपने अरमानों पे कर रहे हो तो फिर अल्लाह के नबी का नाम मत लो मेरे भाई जब अपने हिसाब से करना चाहते हो फिर कुरान की आयतें नको पढ़ो मेरे भाई अपने निकाह के अंदर जो तुम चाहते हो मर्जी करो इस्लाम तुम्हें छूट देता है अच्छाई भी करो बुराई भी करो मर्जी तुम्हारी अच्छाई करेगा तो कर तुम्हारा फ़ायदा है बुराई करेगा तो कर बुरा तुम्हारा होने वाला है अल्लाह अल्लास से दुआ है किल्ला तबारक तौला हमें नेक अमल ने अमल और अच्छी समझ की तो फरमाए जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए सुबह हम दिखा नशद वरहमल वरक